भाई थानेदार बाबू के सामने बड़ी घनी प्रॉब्लम आ गई है। क्या है ना कि अब उनको चुनना पड़ेगा प्यार और फर्ज के बीच में। फिलहाल तो थानेदार साहब ने मोहर लगाई है फर्ज को, और इस चक्कर में मिसेस थानेदार यानी कि बुलबुल पहुंच गई है सलाखों के पीछे। फर्ज और रिश्ते के बीच अगर एक पुलिस ऑफिसर को ही किसी को चुनना हो तो वो क्या चुनेगा? अब सीरियल में वीर पहले एक पुलिस वाला है, बाद में पति है, इसीलिए वो पहले अपनी वर्दी की इज्जत करेगा और फर्ज को चुनेगा। भले ही बुलबुल उसकी पत्नी हो, लेकिन आज शक की सुई हे बुलबुल की तरफ इशारा कर रही थी, इसीलिए गिरफ्तार कर लिया वीर ने अपनी पत्नी बुलबुल को। बुलबुल सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लेती है कि हाँ मैंने ही अविनाश को मारा है, और वो ये सब वर्णिका के लिए कर रही है क्योंकि वर्णिका उसका परिवार है। तो जैसे सदियों से चलता है कि लेडीज़ मोस्टली सैक्रिफाइस करती है अपने परिवार से, ऊपर वो किसी को नहीं रखती, तो वो भी उसका परिवार है, तो अपने परिवार के खातिर उसने सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया है। और वही थानेदार साहब जो एक अच्छे पुलिस ऑफिसर है, जो इतने ईमानदार है कि वो ये भी नहीं देखते कि वो उनकी पत्नी है, वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके एकदम ईमानदारी से वो अपनी वाइफ को भी अरेस्ट करते हैं। अविनाश का मर्डर हुआ है, वर्णिका को बचाने के लिए बुलबुल ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया है। एक अच्छी बहू का यही तो कर्तव्य है, बुलबुल कुछ ऐसा बता रही है। अपने परिवार को बचाने के लिए उसने अपनी जान भी दांव पे लगा दी। क्या इस कुर्बानी को वीर समझ पाएगा? वैसे वीर और बाबा साहब की बात करें तो किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि बुलबुल कभी ऐसा भी कर सकती है। अब अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो जाओ ना सच का पता लगाओ, जानने की कोशिश करो कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। एक सीन भी जाएगा जहाँ पे वो चेंज करते हैं अपनी पुलिस की कॉस्ट्यूम को और वो अपने टी शर्ट में आते हैं, फिर वो एज हस्बैंड आते हैं बुलबुल से पूछने कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सो या वही चल रहा है अभी उनके लिए, आई थिंक काफ़ी पेनफुल होगा, बट ड्यूटी पहले आती है। तो यस बुलबुल कभी जो एक मच्छर नहीं मार सकती है, ये किसी इंसान की जान वो कैसे ले सकती है। अब वीर यहाँ पर आपके लिए बहुत कड़ी परीक्षा है, फर्ज और रिश्ते ये दोनों को ध्यान में रखकर आप कैसे आगे निकलते हैं, ये अब आप पर छोड़ा जाता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।